अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट खालिक चिश्ती और आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान का एक ऐसा नाम प्रोफेसर शाहिना आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम जी, आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके हवाले से आप कुछ बताएं। मेरे वालिद आर्मी में थे और मैं हमेशा कहती हूँ कि कैट हैज़ 9 लाइफ्स, एक बिल्ली जो है उसकी कहते हैं 9 जिंदगियाँ होती। जी जी। तो मेरी ज़िंदगी शुरू ही इस तरह हुई थी कि मैं आई वॉज़ अ प्री मेच्योर बॉर्न चाइल्ड और जब मैं पैदा हुई हूँ तो उस दिन बहुत बारिश और तूफ़ान था और पानी हर जगह सैलाब आया हुआ था। सो CMH में मेरी वालदा को लेकर गए जहाँ पे मैं पैदा हुई और मेरी वालदा बहुत बीमार हो गई तब जी CMH में। शी नियरली डाइड ऑन दैट डे। तो उसके रिजल्ट में हुआ ये कि मेरी नानी और दादी जो दोनों फ्रेंड्स थी, ठीक है, तो उनको मैं नहीं अच्छी लगती थी बिकॉज मैं एक छोटी सी गंदी सी काली सी बच्ची पैदा हो गई थी और उनकी अपनी प्यारी सी बच्ची जो है वो मुसीबत में पड़ गई थी। तो उन दोनों ने बाद में जब ये बातें मुझे तब पता चलीं जब वो दोनों मेरी नानी और दादी उनकी दोनों की डेथ इत्तेफाक से हमारे घर में ही हुई तो मैं उनकी बहुत खिदमत करती थी, मैं उनको लुक आफ्टर करती थी। जब मेरे वालिद के घर में मेरी नानी की डेथ हुई फिर मेरी दादी की हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि शुक्र है तुम उस दिन मरी नहीं थी जिस दिन हमने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। क्योंकि वो जनवरी में मैं पैदा हुई थी तो वो मुझे बाहर ठंड में रख देती थी, दूध का ख्याल नहीं करती थी, वो सारा वक्त मेरी वालदा के साथ बिजी रहती थी। तो वो कहती हम दोनों सहेलियों ने मिलके तुम्हें मारने की बहुत कोशिश की थी पर तुम मरी नहीं। सो मैं कहती हमेशा कि वो मेरी पहली एक ज़िंदगी थी जो मेरी अल्लाह ताला ने मुझे दी। उसके बाद आई वॉज़ क्वाइट यंग जब हम एक दफ़ा स्कूल जा रहे थे पेशावर में तो हमारी गाड़ी का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया। आर्मी की गाड़ी थी जो स्कूल लेके जाती थी और एक बड़े ट्रक के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच दो बच्चे मेरे साथ जो बैठे थे एक की डेथ हो गई, एक की टांग टूट गई और उस एक्सीडेंट में मैं बच गई। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो टाइम था आई वॉज़ लाइक इन स्कूल 8th और 9th में थी तो मेरी तबीयत ख़राब रहने लग गई और फिर मेरे वालिद मुझे CMH लेके गए। पता चला कि मेरे सर में एक ट्यूमर था जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत थी। फिर मुझे कराची लेके गए और फिर वो काफ़ी मुश्किल टाइम था और नियरली मैं काफ़ी अरसा CMH में दाखिल रही और आपको पता है सर की सर्जरी जो है वो कितना मुश्किल काम होता है और उसकी मोर्टेलिटी कितनी ज़्यादा है। तो खैर वो मैंने उसको सर्वाइव किया। उसके बाद मेरी जब शादी हुई तो मैं हमारी शादी यहाँ लाहौर में हुई थी और वी वर ट्रैवलिंग टू पिंडी विद अ बारात। तो आवर कार हैड अ सीरियस एक्सीडेंट देन, दूल्हा और दुल्हन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वी नियरली यू नो काफ़ी ज़्यादा उसमें नुकसान हो सकता था लेकिन उस दिन हम बच गए। फिर इसी तरह मैं और आसिफ एक दफ़ा थाईलैंड से वापस आ रहे थे और हमारा प्लेन जो था वो थाई एयर का प्लेन था और उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गई और उसने क्रैश लैंड किया वापस बैंकॉक में। तो मैं हमेशा कहती हूँ मेरी ज़िंदगी उस दिन भी बची। इस तरह से कई इंसिडेंसेस हैं। फिर बीच में अब लास्ट जो मेरा था एपिसोड विच वॉज़ लाइक 6 years ago तो मैं रोटरी का एक फ्री क्लिनिक करके ननकाना साहब से शाम को घर आ रही थी तो फिर रास्ते में मुझे किसी फ्रेंड के घर रुक कर उसको उनके घर की मुबारकबाद देनी थी जो कि नया घर बना था जो कि इनकम्प्लीट था और उन्होंने वहाँ दावत की हुई थी। तो वहाँ पे कुछ नई जगह होने की वजह से और कुछ इनकम्प्लीट होने की वजह से कुछ स्ट्रक्चर ऐसा था कि आई हैड अ वेरी बैड फॉल और उसके नतीजे में मैं गिर गई और मुझे हेड इंजरी हुई और मेरी काफ़ी सारी बोन्स टूट गई और मेरे नाक टूट गया, मेरे अपर जॉ टूट गया, बाजू दोनों टूट गए, हिप बोन पे इंजरी हुई। मैंने इतना ब्लीड किया कि उन्होंने समझा मैं बिल्कुल मर रही हूँ और वो अल्लाह ताला ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। उसके बाद से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया कि इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ लाइक मिनट्स आप ठीक होते हो, दूसरे मिनट में आप नहीं होते। तो मैं हर दिन को अब बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ और हर दिन को मैं वैल्यू करती हूँ, हर मोमेंट को मैं वैल्यू करती हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में जो ज़िंदगी है वो ऐसे ही है
कि आपकी ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता, आज आप हैं और कल नहीं है। नहीं है। अच्छा, रोटरी के हवाले से भी आपने डिस्कस की, रोटरी में आपकी क्या खदमात? रोटरी जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जी, जिससे आप अपने मुल्क में बैठ के पूरी दुनिया के नज़र में एक अच्छे इंसान की सूरत में रहते हैं। बिकॉज रोटरी का पिन जो बंदा लगा लेता है उसका ये मतलब है कि उसका मोटो है सर्विस अबव सेल्फ एंड डू गुड इन द वर्ल्ड। अगर आप वो पिन लगा के किसी भी दुनिया के मुल्क में चले जाओ और आप कहो मैं रोटेरियन हूँ, तो दूसरा रोटेरियन एग्जैक्टली समझता है कि आप कौन हो। जी जी। आप अच्छे, एक अच्छे इंसान हो, आप एक ऑनेस्ट इंसान हो, आप खिदमत गुजार हो, आप लोगों की मदद करने वाले हो, आप फिलेंथ्रोपिस्ट हो, आप लोगों की हेल्प करते हो। सो रोटरी ने मुझे वो चीज़ दी है जो कुछ मिसिंग थी, कि दुनिया में आपकी रिकग्निशन आती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आप लोगों की खिदमत करें। और अब मेरे रोटरी का एक सर्कुलेशन इस तरह का है कि इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट आपको एरिया का गवर्नर बनाती है। तो अब मैंने जो इस नेक्स्ट इनकमिंग ईयर्स हैं उसमें आई विल बी द गवर्नर ऑफ जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। सो आई विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन डिस्ट्रिक्ट 3-2-7-2। रोटरी का असल मकसद क्या है? रोटरी का असल मकसद, रोटरी का जो निशान है अगर आप उसको देखें तो वो एक पहिए का निशान है जिसके आगे स्पोक्स हैं। जैसे आपकी घड़ी में गोल चक्कर चल रहे होते हैं ना, छोटा चक्कर बड़े को चला रहा है, बड़ा छोटे को चला रहा है, और वो एक दूसरे को चला रहे होते हैं। सो रोटरी के स्पोक्स का मतलब ये है कि लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स दुनिया में हर मुल्क में हर शहर में मौजूद हैं जो कि लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, और वो जब आपस में मिल जाते हैं तो उस काम को वो बड़ा काम कर देते हैं। अब मसलन मैं अगर एक यहाँ पे कोई स्कूल है और उसमें मैं अपना एक काम कर रही हूँ, मैं गरीब बच्चों को हेल्प करती हूँ पढ़ने में, तो फिर मेरे ख्याल में आता है कि मैं इस मुल्क इस स्कूल के लिए कुछ बेहतर करूं, और उसके लिए जो मेरे पास वसाइल हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो फिर रोटरी कि मैं पेज पे जाती हूं और मैं लिखती हूं कि मेरे स्कूल को ये चाहिए, ये स्ट्रक्चर चाहिए, या ये मुझे उधर सोलर पैनल्स लगवाने हैं, तो फिर कोई ना कोई किसी मुल्क से कहेगा कि ये हम लगवा देते हैं। तो ये एक फेलोशिप है जो दुनिया की चल रही है। अब जैसे फ़िलिस्तीन में मसला हुआ है तो रोटरी इन एक्शन आ गई है, इससे पहले बॉस्निया में था, या किसी भी मुल्क में कहीं भी कुछ होता है, और इससे पहले अभी रशिया के साथ जो थोड़ा बहुत एक जगह पे लड़ाई हुई थी वहाँ पे, तो काफ़ी रोटेरियंस जो हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं। डिज़ास्टर में अब जैसे हमारे सैलाब में काफ़ी ज़्यादा मदद की है रोटरी ने, और वहाँ पे तकरीबन एक स्मार्ट विलेज बनाया गया है जिसमें 250 घर हैं, स्मार्ट स्कूल है, और वो सारे सोलर पैनल से बने हैं, और वहाँ पे पानी, बिजली, स्कूल, दुकानें, मकान सब कुछ बना है, और उसका नाम स्मार्ट विलेज रखकर वो सारा रोटरी ने बनाया। ठीक है, ये तौसा के एरिया में, और एक कराची के एरिया में, एक नौशहरा के एरिया में। ठीक हो गया। पाकिस्तान के अलावा किस किस मुल्क में जाना हुआ आपको? मैं अक्सर सोचती हूँ मैं कौन से मुल्क में नहीं गई, तो फिर भी बहुत से मुल्क रह गए हैं जिनसे मैं नहीं गई। हम यहाँ बात करते हैं, तलाश करते हैं किस किस मुल्क में नहीं गई। किस किस मुल्क में नहीं गई? मैं न्यूजीलैंड में अभी तक नहीं गई, मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है। मैं वियतनाम में नहीं गई हूँ, मैंने बहुत ट्रैवल किया है। मैंने मतलब मैं एक तो इंग्लैंड में बहुत अच्छा रही हूँ, मैं पढ़ी वहाँ पे हूँ, अमेरिका में बहुत अच्छा रही हूँ, वहाँ पे भी मैं पढ़ी हूँ एज अ चाइल्ड, मेरे वालिद की वहाँ पोस्टिंग थी, और फिर इसके अलावा दुनिया का हर मुल्क जो जितने अपने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाइना है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, सारे फार ईस्ट के जितने मुल्क हैं, यूरोप पूरा मैंने बाय रेल भी किया है, बाय बस भी किया है, बाय ट्रेन भी किया है, बाय प्लेन भी किया है, फिर क्रूज़ मैंने कई किए हैं जो शिप पे आप करते हैं, इसी तरह डिफरेंट जगहों पे मतलब मैं गई हूँ, बहुत सारे मुल्कों में। चंद मुल्क हैं जिसमें अभी तक नहीं गई, हो सकता है मैं चली जाऊँगी। लेकिन जैसे मैं कहती हूँ मैं चाइना में गई, मैं ग्रेट वॉल पे चढ़ी, मैंने मगर चाइना इतना बड़ा है, चाइना में अगर आप सारी उम्र भी फिरते रहें तो कम है। सही। पेंटिंग से कब और कैसे प्यार हुआ? मेरे वालदेन जो थे वो बहुत पेंटिंग के शौकीन भी थे, तो मुझे आर्ट का हमेशा से
शौक रहा है बचपन में भी। मेरे पास बहुत अच्छा आर्ट वर्क था जो मैंने इंग्लैंड में यूरोपियन पेंटर्स का जमा किया था। ठीक है। लेकिन हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुई कि हम जब मूव कर रहे थे फ्रॉम इंग्लैंड टू एन अरब कंट्री फॉर अ जॉब, मैं लीबिया में मैंने कुछ अर्सा जॉब किया था, तो वहाँ पे वो हमारा जो कंटेनर था उसको वो डैमेज हो गया और उसके अंदर पेंट मिक्स हो गया, पेंट का कोई कंटेनर उस पर गिर गया, तो मेरा सामान जो है उसमें सारा डैमेज हो गया और मेरी बड़ी अच्छी और मशहूर पेंटिंग जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई सारी वहाँ पे। उसके बाद दोबारा पाकिस्तान में तकरीबन अबाउट 40 to 50 years पहले से मुझे जहाँ भी कोई अच्छी पेंटिंग पसंद आती थी मैं उसको ख़रीदने की कोशिश करती थी, और कई दफ़ा मेरी जेब से ज़्यादा उसकी कीमत होती थी बिकॉज ऑब्वियसली मैं जब जूनियर थी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैं मगर फिर भी मैं बजाय अपने लिए कुछ लेने के मैं अपनी कोई पेंटिंग ले लेती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल साद कैन की मैंने जब पेंटिंग ली तो मेरे पास बहुत कम पैसे थे, या गुलजी की ली, चुगताई साहब की ली, इकबाल हसन आपके पीछे लगे हैं, रिंद है, मतलब पाकिस्तान के जितने मशहूर आर्टिस्ट हैं उनकी पेंटिंग्स आपको यहाँ मिलेंगी, और मुझे बहुत प्यार है अक्सर पेंटिंग से, मैं अक्सर इनसे बातें करती रहती हूँ। ये जितनी भी पेंटिंग नज़र आ रही है यानी कि हर जो तस्वीर है वो एक अपनी कहानी खुद बयान कर रही है जी। इनमें से जो सबसे महंगी पेंटिंग आपने खरीदी वो कौन सी और उसकी लागत कितनी थी? एक्चुअली महंगी और सस्ती का आप मुआवजा नहीं कर सकते बिकॉज अगर मैंने सपोजिंग जब मेरी तनख्वाह 1,000 थी और मैंने 2,000 की पेंटिंग ली थी तो मेरे लिए वो महंगी ज़्यादा थी। सो हर पेंटिंग की आप पेंटिंग की कीमत नहीं कर सकते कुछ भी। आई डोंट नो, आर्ट वर्क है उसको लोग सेल भी करते हैं और गैलरीज वाले उससे फ़ायदा भी उठाते हैं, परसेंटेज भी लेते हैं, आर्टिस्ट को भी फ़ायदा होता है, लेकिन आर्ट वर्क की कोई कीमत नहीं है। या आपने एक चीज़ एक लाइन बना दी उसके बाद वो दोबारा नहीं बनती। ये पेंटिंग जितनी लगी हुई है, ये 3-4-5 लोगों का आपने नाम लिया, बाकी जो पेंटिंग है ये किस किस की है? मतलब बहुत से लोग हैं, मतलब मैं अब क्या किस किस का, इकबाल हसन है, एक कराची के 2-3 पेंटर्स हैं, रिंद हैं इधर, ये नमान की लगी हुई है वो का उसकी लगी हुई है, कामरान की, और इसी तरह ये बहुत सारे ये जो इधर लगी हुई हैं प्रोफेसर मंसूर की हैं जो हमारे जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है उसके प्रिंसिपल हैं, उनकी हैं, इनकी लाहौर के ऊपर बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं। आपके फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा क्या फ्यूचर है, अभी तो मेरी ज़िंदगी के चंद साल हैं, मेरा यही प्लान है जितने भी मेरे टाइम रह गया टू बी हैप्पी and to spend a peaceful time. मुझे पीस से बहुत मोहब्बत है, कहीं लड़ाई हो रही होती है या झगड़ा हो रहा होता है तो आई ट्राइड नॉट टू गो देयर, और अगर टीवी के ऊपर कोई ऐसी खौफनाक सी चीज़ें नज़र आ रही हैं तो मेरा दिल नहीं चाहता वो देखने को। बहरहाल टीवी तो अब इतना खौफनाक हो गया मैं देखती ही नहीं हूँ, तो इसी तरह पीसफुलनेस और हैप्पीनेस मुझे चाहिए और वो मैं उसमें रहना पसंद करती हूँ। हमारी जो यूथ है उसके लिए क्या मैसेज देंगे आप? यूथ के लिए ये मैसेज है कि यूथ जो है वो तो हमारा फ्यूचर है, यूथ जो है उसको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली यूथ से अभी तक मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अक्सर बच्चे जो हैं वो अपना बहुत वक्त ज़ाया करते हैं और वो वक्त ज़ाया करते हैं इन अननेसेसरी चीज़ों में, जबकि वो अच्छे प्रोडक्टिव टाइम और अच्छे खुशगवार टाइम गुजार सकते हैं। बच्चे जो हैं अब आजकल बहुत ड्रग्स में चले गए हैं जी, और बहुत ज़्यादा वो उस ज़िंदगी की तरफ चले गए हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं है। देखिए हमारे मुल्क के बहुत सारे दुश्मन हैं जी, और दुश्मनी में ये आजकल ज़रूरी नहीं है कि आप एक बॉम्ब लें, एटम बॉम्ब लें और किसी मुल्क को तबाह कर दें जी जी। आपने किसी मुल्क को तबाह करना हो तो उसके यूथ को तबाह कर दें जी जी। आप उसकी पढ़ाई को तबाह कर दें, उसकी सेहत को तबाह कर दें। सो जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं मेरे ख्याल में उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई है और वो उस पर बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हमारे जो यंग लोग हैं वो एडिक्ट्स बन जाएँ, उनको इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएं या सुनाई जाएं जो उनके लिए अच्छी नहीं है। सो मेरी यूथ को ये मैसेज है
कि अपने रिलीजन के नज़दीक भी रहें, अपने बड़ों की बात भी सुने, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का बहुत ख्याल करें, ड्रग्स में ना इन्वॉल्व हों। दुनिया में खुशी के बहुत सारे मौके मौजूद हैं और वो उसको इस्तेमाल करें बजाय वो ड्रग्स में और अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में पढ़ने के। हमारी जो बच्चियाँ गायनी की तरफ आ रही हैं उनके लिए आप क्या कहें? देखिए, गायनी गायनेकोलॉजिस्ट बनना जो है ना वो एक बहुत बहुत मुश्किल काम है जी, बिकॉज इसका कोई टाइम नहीं है जी, जी। और यंग लोग जब होते हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलात आती हैं, बिकॉज कभी आपको रात को जाना है, कभी दिन को जाना है, कभी कभी आप पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन, पूरी ईद, पूरा बकरीद, क्रिसमस, जो भी टाइम है, हॉलीडे, अच्छा टाइम, बुरा टाइम, आप अस्पताल में होते हैं। सो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट लाइफ, और इसको पाने के लिए, उसे कामयाब करने के लिए आपको अपनी टाइम के बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। ठीक है। बिल्ली जो है वो हर घर में मिल जाती है, बल्कि इंसान जो है वो बिल्ली से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बिल्ली की 9 ज़िंदगियाँ होती हैं, वो 9 ज़िंदगियाँ जो कैसे होती हैं, कौन कौन सी ज़िंदगी जो बिल्ली की? कहते हैं बिल्ली, पता नहीं बात सही है या गलत है, आई डोंट नो, बट एक बहुत फेमस सेइंग है, कैट हैज़ 9 लाइफ्स। यस, दैट मींस द कैट डजंट डाई इजीली। जी, कैट जो है वो आराम से नहीं मरती है, वो हर जगह से उसको कोई भी तकलीफ होती है तो उससे बच निकलती है। ठीक है। और इस वजह से ये एक मुहावरा मशहूर है जी। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में इतने वाक़यात आए, कभी ज़िंदगी से मायूसी हुई? नहीं, मेरा एक ज़िंदगी का वाक़या जो मैंने नहीं बताया वो ये था कि मुझे एक दफ़ा, मैं हॉस्पिटल में फारिग होके, तो वैसे ही मैंने अपने आप को फील किया तो मुझे कोई गिल्टी महसूस हुई जी। तो मैंने सोचा कि जाते जाते मैं फला अपने डॉक्टर को, इंग्लैंड में थी, तो मैंने कहा मैं अल्ट्रासाउंड करा लेती हूँ, जा देख लेती हूँ। तो मैं उसके पास गई तो उसने मुझे कहा, डॉक्टर आई थिंक यू नीड अनदर इन्वेस्टिगेशन। मैंने कहा वैसे ही है, मुझे प्रोटोकॉल दे रही है, वो मैमोग्राफी मैंने करा ली जाके जी। तो वो रेडियोलॉजिस्ट थी लड़की, वो अब मेरा देख रही लगा के, तो मुझे कहती है, जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे ऐसे लगा कि ये कुछ परेशान है, तो मैंने कहा व्हाट्स रॉन्ग? कहती सिट डाउन। मैं बैठ गई तो मुझे कहते आई थिंक यू गॉट ट्यूमर विच नीड्स अ बायोप्सी। मुझे ऐसे लगा मेरा दिल अभी यहाँ से ना पाँव में पहुँच गया जी, जी। उसके बाद फिर मैंने जाके उसकी बायोप्सी कराई जो कि मिलिग्नेंट थी, और फिर मैंने ऑपरेशन कराया, और फिर मैं उससे सर्वाइव किया, फिर मैंने कीमोथेरेपी ली 1 साल, जिससे मेरे सारे बाल जो है वो झड़ गए, फिर बाद में ये बाल दोबारा हो गए। मगर वो लकीली मेरा पैगाम ये है अभी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, वो ये है कि अगर जितनी जल्दी ये डायग्नोज होता है जी, जी, तो ये क्योर हो जाता है, इट्स अ क्योरेबल डिजीज़। अगर आप इसको छोड़ देते हैं, आप इसको रिकग्नाइज नहीं करते, तो फिर ये बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरी ज़िंदगी में एक वो टाइम था कि मुझे ऐसे लगा था कि शायद अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बट नहीं, अल्लाह ताला हैड बिगर प्लान्स फॉर मी। उनका ये था कि इसने कुछ करना है, शायद ये कोई बेहतर काम कर ले जी, जी। अभी भी मैं, लास्ट टाइम जब मैं बची थी तो जब मैं ब्लीड कर रही थी, मैं फर्श पे पड़ी हुई थी और मेरी बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, तो मुझे सिर्फ एक ही ख्याल था, और वो ख्याल ये था कि वो जहाँ मैं सुबह क्लिनिक कर रही थी तो वहाँ उन औरतों को मैंने देखा। मैं सुबह, मैंने सोचा था हम जैसे हम फ्री क्लिनिक्स करने जाते हैं, थोड़ा से 2-4 मरीज देखते हैं, फिर हम खाना खाते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ जब मैं गई तो वहाँ इतने मरीज़ इकट्ठे थे, मैं सुबह से मरीज़ देखने शुरू हुए, शाम हो गए, मैंने कोई 250 पेशेंट्स उस दिन देखे। और वो एक औरत मुझे, उसने कहा कि अभी तो आपने मुझे दवाई दे दी है ये, तो फिर ये मैं जब इसके बाद मुझे आना है तो फिर मैं क्या करूँगी जी। तो मैंने उसे कहा कि नहीं नहीं, मैं आऊँगी वापस और मैं तुम्हें देखूँगी आके। तो कहती है, एक औरत ने बड़ी ऐसे कपड़ा अपना उठा के, तो मुझे कोई दवाएँ दे रही थी, तो मैं ऐसे ही हंसती जा रही थी, उससे बात करती जा रही थी। लेकिन जब मैं गिरी हुई, जब मैं वापस आई और मैं उनके अपने फ्रेंड के घर में गिर गई और मेरी ब्लीडिंग हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था, तो एज अ डॉक्टर मुझे पता था इतनी ज़्यादा मैं ब्लीड कर रही हूँ, तो ये तो मैं आँख खोलने की कोशिश करती थी और मैं फिर बेहोश हो जाती थी बार बार।
तो फिर मुझे सिर्फ वो याद आ रही थी खातून, मैंने कहा ओहो, मैंने तो उसको कहा था मैं तुम्हें फिर देखने के लिए आऊँगी, तो मैं अब कैसे जाऊँ। मैं अल्लाह ताला से अंग्रेज़ी में बातें करनी शुरू हो गई, मैंने अल्लाह को कहा, आई सेड अल्लाह, आई डोंट वांट टू डाई हियर, आई हैव टू गो बैक। तो मैंने मतलब वो मुझे वो बड़ी चीज़ मुझे याद रहती है। तो फिर मैं अपनी फ्रेंड्स को जब बताती हूँ, मैंने कहा अल्लाह ताला को अंग्रेज़ी आती है, मैं अल्लाह ताला से अरबी नहीं बोल रही थी, अंग्रेज़ी में बातें कर रही थी। And you know, it was a good incident. Yes, I quote this story often. और मैं बताती हूँ कि मैं अल्लाह से कह रही थी कि मैंने नहीं मरना, प्लीज़ मैंने वापस जाके वो क्लिनिक करना है। And I did go back there. फिर दोबारा आप उस खातून को मिली? हाँ जी, ठीक, दोबारा गई मैंने उनके जाके, उसके उसके बच्चे नहीं होते थे, फिर मैंने एक ट्रीटमेंट उसको दिया था, फिर दोबारा दिया, फिर उसका एक बच्चा भी है अब। अच्छा, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मियाँ और बीवी दोनों नॉर्मल होते हैं, फिर भी उनके यहाँ जो है ना औलाद नहीं होती जी, वो क्या रीज़न है? एक्चुअली नॉर्मल हम समझते हैं कि वो नॉर्मल है जी, अगर आप मेडिकल साइंस को देखें तो अभी ऐसी ऐसी चीज़ें हमें पता चलती हैं जो हमें कभी पहले नहीं पता थी जी। हम कहते थे अच्छा ये नॉर्मल है, अब ओहो अच्छा ये तो ये ऐसे है। तो जिनको हम नॉर्मल समझते हैं 40% कपल्स ऐसे हैं जिनकी हमें नहीं समझ आती कि इनको क्या है, ठीक है, और वो हम समझते हैं कि नॉर्मल है, लेकिन हो सकता है उनकी कोई ऐसी बीमारी हो जो बाद में हमें पता चलेगी। ठीक हो गया, ले जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही अपना शाहिना आसफ़ साहिबा से। अल्लाह हाफिज़।